6. प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, सर्वनाम और इसके प्रकार. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू इंडिकेट समवन और समथिंग ऑलरेडी नोन. सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर पहले से ज्ञात व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल, रमन इज अ डांसर, ही इज वेरी पॉपुलर. ही शब्द का प्रयोग रमन संज्ञा के लिए हुआ है, अतः ही प्रोनाउन है. मैरी एंड सोनम आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स. दे शब्द का प्रयोग मैरी और सोनम के लिए हुआ है, अतः दे शब्द प्रोनाउन है. काइंड ऑफ प्रोनाउंस, संज्ञा के भेद. देयर आर 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन. सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. 1. पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम. 2. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. 3. इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. 4. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम. 5. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. 6. इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. पर्संस, पुरुष. जब हम बात करते हैं तो अपने बारे में बात करते हैं या उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं या उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है. पर्संस 3 प्रकार के होते हैं. 1. फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष. जब कोई वक्ता अपने बारे में कुछ बात करता है तो वह आई, वी, अस, अवर, माई आदि शब्दों का प्रयोग करता है. ये शब्द फर्स्ट पर्सन होते हैं. 2. सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष. जब कोई वक्ता उस व्यक्ति के बारे में कुछ बात करता है जिससे वह बात कर रहा है तो वह यू, योर आदि शब्दों का प्रयोग करता है. ये शब्द सेकंड पर्सन होते हैं. 3. थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष. जब कोई वक्ता किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है तो वह ही, शी, हिज, हिम, देम, इट आदि शब्दों का प्रयोग करता है. पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, आई, माई, मी, माइन. प्लूरल, वी, आवर, अस. पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, यू, योर. प्लूरल, यू, योर, योर्स. थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ही, शी, इट, हर, हिज, हिम. प्लूरल, दे, देम, देयर, देयर्स. इन प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह पोजीशन दर्शाने के लिए किया जाता है तथा पर्सनल प्रोनाउन में इनका प्रयोग होता है. ही, शी, इट, दे, यू, वी, माय, अवर, देयर आदि प्रोनाउंस हैं.